आकाश में कबूतर उड़ाए गए, जमीन पर पेड़ लगाए गए। इसी दौरान रीवा और शहडोल संभाग के कोरोना वायरस को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव, पहले कोरोना पेशेंट को वार्ड तक पहुंचाने वाले डीएसपी मनोज वर्मा, आयुर्वेद से कोरोना पेशेंट को ठीक करने वाले डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ का भी स्वागत अभिनंदन किया गया। मौका था ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन द्वारा आयोजित आयुर्वेदिक औषधियों के वृक्षारोपण का। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं कॉलेज रोड पर, जहां पर ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। शांति और सद्भाव के प्रतीक सफेद कबूतर आकाश में उड़ाए गए। गुलाब, तुलसी जैसे औषधि पौधों को शहर के व्यस्तम कॉलेज रोड में रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव के अगुवाई में लगाए गए। मौका था ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन द्वारा कोरोना वायरस फैलने के दौरान इसको रोकने के लिए बेहतर काम करने वालों के सम्मान का। रीवा और शहडोल संभाग में कोरोना वायरस न फैले, इसको रोकने के लिए बेहतर रणनीति के साथ बेहतर कदम उठाने वाले रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव सहित आयुर्वेदिक कॉलेज के डीन डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, डीएसपी रीवा मनोज वर्मा का पुष्प पंखुड़ियों के साथ स्वागत और अभिनंदन किया गया। आज के दौर में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए आयुर्वेद सबसे सफल नुस्खा में से एक माना गया है। इसी के चलते ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के सौजन्य से कॉलेज चौराहे के पास वृक्षारोपण किया गया। इस वृक्षारोपण की खास बात यह रही कि इनमें उन वृक्षों को शामिल किया गया जो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करते हैं, जैसे गिलोय, तुलसी आदि। इसी दौरान कमिश्नर रीवा डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव, यातायात डीएसपी मनोज वर्मा, आयुर्वेदिक कॉलेज के डीन प्रिंसिपल दीपक कुलश्रेष्ठ ने शांति के प्रतीक कबूतरों को आकाश में उड़ाकर ये बताने का प्रयास किया कि हम रीवा में कोरोना वायरस से जीतने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव का रीवा और शहडोल संभाग में कुशल नेतृत्व ही रहा, जिसकी वजह से कोरोना इस इलाके में न के बराबर है। इसके लिए ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन ने डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव का सुपारी से बने गणेश जी की मूर्ति को देकर सम्मान भी किया। कार्यक्रम में ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की तमाम ब्यूटिशियन मौजूद रही। जो पहला शख्स था, ये आप सोचिए कि उन्हें कोई नहीं जा रहा, जो कोई पहला शख्स रहा हुआ सोचिए वो कौन हो सकता है। आपके बीच में मौजूद है, हम जानेंगे। सर को बोलूंगी कि वो दो लाइनें हमारे लिए सब बहनों को बोले। आप रीवा की शक्ति, जैसा भी जावेद भाई ने बताया, वो मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। पुलिस वाला हूँ, बहुत ज़्यादा शब्दावली हम लोग जानते नहीं हैं, मगर इतनी मातृशक्ति, इतनी महिला शक्ति की भीड़ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शहर का कोरोना जीतने में आप सबका भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान जरूर रहा होगा। ये जो कोविड 19 नाम की भय जो आपके हमारे बीच में है, निश्चित रूप से महामारी बड़ी संकटमय घड़ी लेके आई है। इसमें बहुत अच्छा जो SMS वाला है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, ये तो सभी लगभग परिचित हो गए हैं। आप लोग पढ़े लिखे और अच्छे परिवार और समाज को नेतृत्व करती हैं। इतना ज़रूर है कि जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उनको आप टोकिए ज़रूर। होता क्या है कि इसको पावर एजेंसी पुलिस है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन करता है तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, मगर यदि आपके माध्यम से लोगों को जन जागृति या
मैसेज जाएगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा। रीवा एक ऐसा शहर है जो ज्योग्राफिकल कठिन है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं बिल्कुल टच कर रही हैं, उसके बावजूद भी रीवा में आज की स्थिति में निगेटिव फिगर आ रहा है। ये पूरे शहर की जनता का योगदान है, इसमें कोई पुलिस, कोई प्रशासन, नगर निगम का कोई योगदान, वो प्रशासनिक है और वो पदेन है और वो तनखैया है। हम जो भी काम करते हैं उसके बदले गवर्नमेंट से पेमेंट ले रहे हैं और सुविधा भी लेते हैं उतने ही सरकार से, मगर जो आप शहर की मातृशक्ति हैं, बहनें हैं, जो काम करती हैं, वो शहर के लिए निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है और बड़ा योगदान है। ऐसा ही आपका योगदान बना रहेगा कि हमारे यहाँ कोरोना के 28 मरीज भर्ती थे और आज की तारीख में सभी निगेटिव होकर अपने घर जा चुके हैं। इसकी वजह से एक विश्वास भी है और इसके पीछे हमारी कुछ औषधियाँ भी कार्य करती हैं निश्चित रूप से। औषधि के साथ साथ विश्वास होना इस पैथी के प्रति, इन दवाइयों के प्रति, जिससे कि वो विद इन 10 डेज, 10 से 12 दिन के अंदर वो निगेटिव हो गए और अपने घर जा चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञाती है कि इस बीमारी की अभी तक कोई सटीक चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप लोग मीडिया के माध्यम से जान भी रहे होंगे कि इतने लाख मरीज ठीक भी हो गए हैं। 50% लगभग रिकवरी रेट है कि 50% मरीज ठीक हो के अपने घर जा रहे हैं सभी जगह से, सिर्फ रीवा की बात नहीं है, रीवा में तो 100% घर जा चुके हैं। दूसरी जगह 50% लगभग रेट चल रहा है कि 50% लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो उसके पीछे क्या, एक तो औषधि उपलब्ध नहीं है, दवाई नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर, जिसको अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, जिसकी वजह से कि वायरस ने उसकी उनके ऊपर ज़्यादा अपना प्रभाव और ज़्यादा असर नहीं दिखा पाया और वो जल्दी रिकवर कर गए हल्की फुल्की औषधियों के माध्यम से। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर का अच्छा होना। तो इसी चीज़ को आज हमारा आयुष मंत्रालय भी प्रमोट कर रहा है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। तो औषधि तो कोई उपलब्ध है नहीं आज की तारीख में, तो हम यही कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी पावर आज जवान जवान पर उपलब्ध है कि इम्यूनिटी पावर कभी तक कोई जानता नहीं था इम्यूनिटी पावर डॉक्टर्स के अलावा, लेकिन आज हर बच्चे के बच्चे की जवान पर इम्यूनिटी पावर आ गई है। तो इम्यूनिटी पावर यही है कि उस व्यक्ति की पर्टिकुलर रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप करना। तो इसके लिए हम लोग कुछ औषधियाँ, जैसे आप लोग शायद आप लोगों के कॉलोनी में, मोहल्ले में भी पहुँचे होंगे, हमारे जूनियर डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स की टीम लगी थी और लगभग 2.5 से 3 लाख व्यक्तियों को हम लोगों ने औषधि, यहाँ भी कुछ लोग पहुँचे भी हों और कुछ नहीं भी पहुँचे हों, तो उसके पीछे हम लोग जो प्रिवेंटिव रूप में जो दे रहे हैं वो है त्रिकटू पाउडर, सभी लोगों ने नाम सुना होगा, सौंठ, काली मिर्च और पिपली। अगर मान लो आपको ये नहीं मिल पाता है तो उसको आप घर में मिक्सी में पीस के बना सकते हैं। सौंठ सब लोग जानते ही हैं, काली मिर्च सब लोग जानते ही हैं और पिपली होती है, काली मिर्च जैसी लंबी लंबी पिपली होती है। इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेके आप मिक्सी में आसानी पीस जाता है और उसको पीस के रख लें और उसको चाय में डालकर, एक कप चाय में 2-3 चुटकी लगभग डालकर उसको अच्छे से उबाल लें और उबाल के फिर उसको छान के सुबह शाम 2 बार पीना। तो एक तो हमारे चिकित्सालय से अभी उपलब्ध करा रहे हैं, घर घर भी अभी भी बांटना चालू है, अभी भी कई कॉलोनी में हमारी टीम जा रही है और बांट रही है। इसके अलावा एक चीज़ और दे रहे हैं हम लोग, सनसनी वटी, जिसमें का मुख्य घटक है गिलोय। जैसा कि जावेद भाई ने बताया कि वृक्षारोपण में आज गिलोय के पौधे भी मंगाए गए हैं, तो मैंने बताया था कि गिलोय की सबसे ज़्यादा डिमांड है। यदि आपके घर में भी गिलोय का पौधा लगा हुआ है, बेल होती है उसकी, गुरुच बोलते हैं यहाँ पर रीवा में उसको, तो उसकी एक लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर की डंडी इतनी बड़ी, आप उसको साफ करके धो के उसका रस निकाल के या उसको ऐसे मुँह में डाल के भी चबा सकते हैं, तो वो ज़्यादा फायदा करेगी। तो उसी से हम लोगों ने एक औषधि बनाई है, सनसनी वटी के नाम से, मार्केट में भी मिलती है, तो वो हम लोग भी बांट रहे हैं। 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट लेना है 10-15 दिन तक। और एक चीज़ और दे रहे हैं, अणु तेल नाम से एक औषधि है, उस तेल को नाक में डालना है 2-2 बूंद सुबह शाम, एक बार भी डालें तो चलेगा। तो उससे क्या होगा कि ये जैसे वायरस, आप लोगों को ज्ञाती है कि वायरस जो है वो श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालता है, तो श्वसन तंत्र हमारा नाक से शुरू हो जाता है, नाक से लेके फेफड़े तक ये पूरा श्वसन तंत्र कहलाता है।
तो हम उसको औषधि को नाक में डालते हैं तो एक प्रकार से पूरे श्वसन तंत्र पर एक कोटिंग सी कर देता, तो वायरस को वहाँ चिपकने का, डेवलप होने का मौका नहीं मिलता। ये तीन चीज़ हम लोग घर घर बांटने का काम लगभग 2 महीने से हमारा चालू है और पहुँचा भी रहे। आप जिनको भी ज़रूरत होगी कुछ मैं लाया भी हूँ, दूंगा अभी, और चिकित्सालय से आके आप लोग ले भी जा सकते हैं, वो हमेशा चालू रहता। इसके अलावा जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जैसे मैंने बताया भी था जावेद भाई को कि ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना भी बहुत ही आवश्यक है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेंटेन है। और मास्क लगाना, ये आज समय की ज़रूरत है, ये लंबे समय तक चलने वाला है, तो मास्क लगाना है और एक दूसरे से नज़दीक आने से रुकना है, यह इसको फैलने से रोकना है। आजकल समस्या क्या हो रही है कि वो एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा मिल रहा है, लक्षण कुछ दिख नहीं रहे, इसलिए अगर मुझे भी कोरोना हो गया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे कोरोना है, लेकिन मैं फैलाने का काम बराबर कर सकता हूँ। मुझे लक्षण नहीं दिख रहे हैं लेकिन मैं आपको फैला सकता हूँ, जैसे आप टच करेंगे मुझे आपको हो जाएगा। वो आपकी इम्यूनिटी पावर अगर अच्छी नहीं है तो लक्षण आपको दिखने लगेंगे। मेरी इम्यूनिटी पावर अच्छी है इसलिए मुझे लक्षण नहीं दिख रहे हैं लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ, ऐसा इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है कि उसको डायग्नोस करना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ टेस्ट जो करवाते हैं, शॉर्ट टेस्ट मुंह में डाल के जो टेस्ट करते हैं उसमें वो पॉजिटिव आता है, लक्षण कुछ नहीं दिख रहे हैं, ये बड़ी समस्या इसके साथ हो रही है। अभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।